अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो कुवैत से अहम खबर आपको मैं सुनाने वाला हूँ। सबसे पहली खबर तो कुवैत से आ रही है, फायर पार्सली डिस्ट्रॉय द किचन ऑफ ए रेस्टोरेंट इन सर्ग। साथियों, कुवैत में एक रेस्टोरेंट को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, जैसा कि वीडियो के सुन पे दोस्तों आप देख सकते हो। खबरें क्या है मैं पूरी बताता हूँ। फायर फाइटिंग टीम स्विफ्टली मैनेज माइनर फायर इन द फिफ्थ फ्लोर किचन रेस्टोरेंट इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन सर्ग एरिया। दोस्तों, कुवैत में कमर्शियल एरिया, जिसे दोस्तों सर्क जो एरिया पड़ता है, इसे एक वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे साथियों किचन में आग लग गई थी। पांचवें फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे आग लग गई थी। दोस्तों, फायर ब्रिगेड वाले तुरंत ही वहाँ पे पहुँचे। फिलहाल दोस्तों आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, पर दोस्तों आग थोड़ी ये ज़्यादा लग रही थी, इसलिए वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे किचन बर्बाद हो चुका है। तो जनरल फायर फोर्स पब्लिक रिलेशन मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली दोस्तों बताया गया कि मॉर्निंग में वहाँ पे एक फ़ोन आया था कि वहाँ पे एक एरिया में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड टीम जो वहाँ पे तुरंत ही पहुँची और अब दोस्तों आग पे पूरी तरह से काबू पाया गया। दोस्तों, ये घटना सर्क एरिया का था, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे पाँचवें फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, वहीं पर दोस्तों ये आग लगी थी। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों वीडियो क्वेश्चन पे जिनके आप फोटो देख रहे हैं, साथियों इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इनका नाम है करेन ससारा, जो कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू एम्बेसडर के तौर पे चुनी गई है कुवैत में। जी हाँ साथियों, ये अमेरिका का नया एम्बेसडर है, कुवैत में चुना गया है। ये दोस्तों खबर दोस्तों आ रही है कि वॉइस एंड फाइनल वोट हैज़ अप्रूव अपॉइंटेड करेन ससारा एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू कुवैत, दिस इज़ द लास्ट वोट टू टू। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में आप अमेरिका के जो एम्बेसी होंगी यही होंगी, उनको अमेरिका की तरफ से चुन के वहां पे कुवैत में भेजा गया है। अगली अपडेट की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों, एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम नो चेंज सीन इन वर्किंग आवर। साथियों, कुवैत में बहुत सारी चीज़ों में अनाउंसमेंट की जा रही थी कि वर्किंग आवर को वहाँ पे चेंज किया जाएगा, मिनिस्टर मतलब टीचर वगैरह का। तो खबर दोस्तों यह है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन साइंटिफिक रिसर्च डॉक्टर आदिल अलमन्ना के तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर जो होगा वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में वही होगा, टाइमिंग को दोस्तों चेंज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, टाइमिंग इस प्रकार का है, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये होगा 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, और लगभग मान के चले कि 7 घंटे का दोस्तों ये हर दिन आपको वहाँ पे क्लास लेना पड़ेगा, सभी टीचरों को, सभी स्टूडेंट वगैरह को वहाँ पे टाइम देनी पड़ेगी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये बातें उठ रही थी कि टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, टाइमिंग को घटाया जाएगा, पर दोस्तों ये सब बिल्कुल अफवाहें थी, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो टाइमिंग था वही टाइमिंग रखा जाएगा। अगली खबर दोस्तों, एक क्वार्टर ऑफ बिलियन दिनार स्पेंड एनुअली टू हेल्प 45,000 बेनिफिशरी। साथियों, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर की तरफ से लगभग 250 मिलियन दिनार का चीज़ें, यानी दवाइयां वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें दोस्तों दिया जाता है, दिया गया है लगभग 45,000 से भी ज़्यादा बेनिफिशरी, यानी ज़रूरतमंद जो लोग हैं। और दोस्तों, ये जो है एक तरह का संस्था है, और ये भी बताया गया है कि इसमें अकॉर्डिंग टू सोर्स द एड डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे कि स्टूडेंट, मैरिड स्टूडेंट, एल्डरली, और फैन, वीडो, डाइवोर्सी, जैसे कि दोस्तों कोई स्टूडेंट्स वगैरह हो जो गरीब हो, या फिर शादीशुदा स्टूडेंट हो, या कोई ज़ईफ़ हो, या कोई ऑर्फेन हो, या कोई तलाकशुदा हो, इन सभी को, या फिर अनमैरिड को, वुमेन हो, महिलाएँ हैं, या फिर जेल में जिसके परिवार बंद है, तो इन सभी को दोस्तों मदद जो है वो कुवैत की तरफ से किया गया। तो साथियों, कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।